पूरे फुर्सतगंज को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। डॉक्टर्स भी परेशान हैं और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। दादाजी, कल से मेरी आंख बंद नहीं हुई, मैं सो नहीं पाया और बंटी का मुंह बंद नहीं हुआ। कभी मच्छर कभी मक्खी बार बार घुस रहे हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है। ये देखिए, पापा का हाथ कैसा टेढ़ा हो गया है। पूरे शहर में ऐसा ही कुछ न कुछ सबको हुआ है। हम भी अभी टीवी में यही न्यूज़ देख रहे थे। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या बीमारी है। ये बीमारी आज से 100 साल पहले मध्य सागर के कालुका द्वीप में होती थी। तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? किसी माइग्रेटरी बर्ड के साथ आ गई होगी। जब बर्ड्स एक शहर से दूसरे शहर उड़कर जाते हैं तो उनके पंजों में कई जर्म्स बैक्टीरिया साथ आ जाते हैं। उन गांव वालों ने इसका इलाज कैसे किया? वहाँ के एक लोकल डॉक्टर ने इसका इलाज ढूंढा और वो इलाज इस फूल में है। इस फूल की पत्ती को खाने से या इसका रस निकाल के पीने से ये बीमारी दूर हो सकती है। दादाजी, लेकिन ये तो 100 साल पहले की बात है। अब पता नहीं ये फूल वहाँ होगा कि नहीं। ये तो जाके ही देखना होगा। वीर, तुम लोग स्पेसशिप से चले जाओ, अपना ध्यान रखना। दादाजी, मैं उड़ने वाले पंख भी ले जाता हूँ। क्या पता कभी बिना स्पेसशिप के चुलबुल को भी उड़ने की जरूरत पड़ जाए। तुम ठीक कहते हो वीर, पूरी तैयारी के साथ जाओ। सुंदर है, सब सुंदर है। ये क्या हो रहा है? वीर, वो लोग आ गए, चलो भागो। रुको, पहले मैं बात करता हूँ। हो सकता है बात करने से वो दोस्त बन जाए। हम यहाँ दोस्ती करने आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला, हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला। हुला तीरु भाला, हुला हुला, हर कोई। इमली आज चुलबुल का बर्थडे है और उसे याद ही नहीं है। चलो उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं। यस वीर, चुलबुल भी सरप्राइज पार्टी देख के खुश हो जाएगा। ये दोनों बात करते करते अचानक चुप क्यों हो गए और छत पे क्यों चले गए? मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि ये मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। क्या हुआ चुलबुल? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम लोग बातें करो और मैं सुनूंगा कि तुम क्या बातें कर रहे हो। इमली, लगता है उसे शक हो गया है कि हम कुछ छुपा रहे हैं। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। पहले तो शक था लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया है, वो मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। जिंटू, वीर इमली मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ऐसी सुनने की शक्ति दो कि मैं दूर दूर की बातें सुन सकूं। मेरे सुनने की शक्ति 100 गुना बढ़ा दो। नहीं नहीं नहीं, 1000 गुना बढ़ा दो। मैं यहीं खड़े खड़े सब सुन लूंगा वो क्या बात कर रहे हैं। ओके चुलबुल, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बस करो, जादू वापस ले लो, मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। अरे इतनी सारी आवाजों में वीर और इमली की आवाज कहाँ दब गई पता ही नहीं चल रहा है। जिंटू, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं सिर्फ इमली और वीर की ही बात सुन सकूं और उनको पता भी ना चले। ये लो, ये है इनविजिबल शॉल। इसको ओढ़ लोगे तो वीर तुमको देख नहीं पाएगा, तुम उनके पास ही बैठ के पूरी बात सुन सकते हो। ओह, थैंक यू जिंटू। मैंने केक और स्वीट्स का ऑर्डर कर दिया है।
चुलबुल के लिए खास तौर से कैरेट फ्लेवर का केक बनवाया है। वाव, कैरेट फ्लेवर! चुलबुल तो बहुत खुश हो जाएगा। अब बात करो, कितना करना है करो, सब सुन लूंगा मैं। ये चुलबुल कहाँ से चिल्ला रहा है? वीर, मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। देखना, मैं सबसे ज्यादा दूध पीकर फर्स्ट आऊंगा। नहीं चिंटू, तुम एक जिन हो, तुम जादू से जीत जाओगे। कोई नॉर्मल बच्चा तुमसे मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम मुझे किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने देते। भाइयों बहनों, हमारा नाम है क्रोधी पहलवान। हमारी डेयरी में ये कंपटीशन यह ले रखा गया है कि बच्चों को दूध पिए की आदत पड़ जाए। जौन बच्चा सबसे ज्यादा दूध पिएगा वह फर्स्ट आएगा। चलो भाई चलो, मुकाबला शुरू करता हूँ। बस बस बिटुआ, हमार सब दूध खत्म हो गया। हम तुमका फर्स्ट प्राइज। एक मिनट सर, ये कंपटीशन फुरसतगंज के बच्चों के लिए है। फर्स्ट प्राइज बंटी को मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़का फुरसतगंज का नहीं है। मेरा नाम पिंटू है। मैं फर्स्ट आया हूँ। और देखो भाई, कहे कि पिंटू जो है फुरसतगंज का नहीं है, इसे इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज नहीं दिया जा सकता। फिर भी हम इसे एक प्राइज तो दे ही देंगे। ये ट्रॉफी है ये बचवा पिंटू के लिए, और ये कंपटीशन में फर्स्ट आया है बंटी। ये, मैं जीत गया। अभी सूत्रों से पता चला है कि फुरसतगंज में रोज हर तबेले से भैंसें चोरी हो रही हैं। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी चोर पकड़ा नहीं गया है। अब सिर्फ न्यू डेयरी में ही भैंसें बची हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत सारे पहलवान कर रहे हैं। लोगों ने रोबो बॉय से अपील की है कि इस चोर को पकड़े। रोबो बॉय, अगर तुम ये न्यूज देख रहे हो तो प्लीज हेल्प। दादाजी, हमें उस चोर को पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? जिंटू है ना, दूध से भरा हुआ पूरी डेयरी, इसे कहो जादू से भैंस बन के खड़े हो जाए, जब चोर इसे ले जाएंगे। स्केयरक्रो! बच्चों, ये है प्रोजेक्ट मेज। तुम सबको मेज यानी कि भुट्टे इन खेतों में पैदा करने हैं। सब खेतों में हल चलाकर बीज बो दिए गए हैं। अब तुम्हारा काम है खेतों की रखवाली करना, पानी और खाद देना, और फसल को बड़ा करना। जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। मैं सबसे महंगी वाली खाद डालूंगा। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। वो तो फसल बड़ी होने के बाद ही पता चलेगा बच्चे। अच्छा तो ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सबसे पहले मैं खेतों में पानी डालूंगा, मेरी फसल सबसे अच्छी होगी। हाँ? ये क्या जादू हो रहा है? वीर कहाँ हो तुम? वीर, तुमने कुछ जादू किया है। देखो, पानी की धार हर बार तुम्हारे खेतों में जा रही है।
बंटी, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ओके बाय, टेक केयर। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? फसल को कौओं और दूसरे पंछियों से बचाने के लिए ये स्कैरक्रो लगाया जाता है। खैर छोड़ो, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि स्कैरक्रो क्या होता है। हम भी स्कैरक्रो लाए हैं, वो उधर रोड साइड में रखा है। चलो इमली, अपना स्कैरक्रो लेकर आते हैं। जब ये वीर का मजाक उड़ाता है तो मुझे गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं जादू करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो भुट्टे उगाए थे। सांप नहीं, लॉलीपॉप्स। सांप नहीं है, लॉलीपॉप्स है। मेरे खेतों में लॉलीपॉप उगे हैं, लॉलीपॉप। मैं महान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, शक्तिमान है। बॉस, बकरी मॉस मॉस बकरी। ये बकरी नहीं है और मैं मॉस नहीं, मैं हूँ बॉस और ये है मकड़ी, द जायंट स्पाइडर रोबोट। तुम इसमें बैठ के वीर के ऊपर स्पाइडर वेब फेंक के उसे उसमें लपेट के जमीन पे घसीटते हुए यहाँ लेकर आना। बॉस, यू आर जीनियस, यू आर सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। रोबो बॉय सूट ऑन। अच्छा क्या हुआ? वो देखो, कोई यूएफओ लग रहा है। चलो देखते हैं।
चलो। यहीं रहना, हम तुम्हें वापस लेने आएंगे। मैंने कहा उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। अगर कोई खतरनाक जानवर तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Now will you please excuse me? मुझे बहुत काम है, तुम जाओ समाज सेवा करो। अच्छा, अगर कोई जानवर उसे पकड़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा। जानते हो टिम्बकटू, इस हीटिंग गैजेट में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा सकता हूँ। मैं समझ गया, फुर्सतगंज का टेम्परेचर बढ़ा के आप एसी और कूलर बेचना चाहते हैं। लेकिन बॉस बॉस, मैं आइसक्रीम बेचूंगा, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छा। शट अप यू कद्दू के अचार। मैं इसे फुर्सतगंज के पीछे जो वॉल्केनो है उसके अंदर और नीचे लगा दूंगा, ज्वालामुखी फटने के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही काफी है। मैं इसे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दूंगा और फिर पूरा फुर्सतगंज ज्वालामुखी के लावे में बढ़के खत्म हो जाएगा और उसके साथ वीर भी खत्म हो जाएगा। Meow! You are genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. ये देखो, ये है वो वॉल्केनो जो फुर्सतगंज के पीछे है। ये टनल, तुम इस टनल में जाके वॉल्केनो के नीचे वो इंस्ट्रूमेंट रख देना। बॉस, यहाँ गर्मी बहुत बढ़ रही है। लगता है हमारा एसी खराब हो गया है। एसी नहीं खराब हुआ बॉस, हमारी डेन भी एक वॉल्केनो के अंदर है। अगर हमारा वॉल्केनो फटा तो ये इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट है। ये सोच के मैंने वो हीटिंग गैजेट ऑन कर दिया है बॉस। कर दिया तुमने। गैजेट वॉल्केनो के नीचे रख के ऑन किया कि नहीं? ऑन कर दिया है बॉस, अब तो जानते ही हैं मैं कभी गलती नहीं करता। अब मेरी बारी है।
Thank you.